नगर में पिंक ऑटो की शुरुआत हो गई है, जिसका मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह है पिंक ऑटो, यानी महिलाओं की शान, सुकून और सुरक्षा की सवारी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को पैबंद करने के लिए यमुनानगर में पिंक ऑटो की शुरुआत की है, जिसकी ड्राइवर भी महिला होंगी और सवारी भी सिर्फ महिलाएं। हमने सोचा कि महिला सशक्तिकरण में कुछ कदम उठाया जाए, कुछ पहल की जाए, तो बाकी प्रदेश के अन्य जिलों में, कई जिलों में हमने देखा था कि इस प्रकार के पिंक ऑटो चलते हैं, जिसके महिला द्वारा ही चलाया जाता है और महिला यात्रियों को ही उसमें बिठाया जाता है। तो इसके लिए मैंने हमारी DSP उषा हैं, जो ट्रैफिक संभालती हैं, इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की ड्यूटी लगाई थी कि आप, हम भी इस जिला में इस तरीके का प्रयोग करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। देखिए, सुरक्षा के लिए इसके पुख्ता प्रबंध हैं। हमने इंस्पेक्टर ट्रैफिक को ही बोला है, मैंने कंसर्न्ड पुलिस, जो हमारे पुलिस स्टेशन है, उनके अधिकारियों को, PCR को ही बोला है कि सुरक्षा हमारी सर्वोपरि है, इनका सुरक्षा भी होनी चाहिए। इस खास ऑटो में महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी रखा है, जिससे ऑटो की लोकेशन ट्रेस होती रहेगी। अपने शहर में पिंक ऑटो की शुरुआत से महिलाएं बेहद खुश हैं। जी, मुझे तो देखो यही कहना है कि लेडीज के लिए ये ऑटो चलाया गया है, खास करके लड़कियों के लिए। तो मैं इसमें मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि सरकार ने, SP साहब ने और पुलिस प्रशासन ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लेडी को काम करने की ये मिला, और लेडी के साथ और लेडीज भी प्रेफर करेंगे कि ऑटो में सवारी करें, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी अपना इनर व्हील की तरफ से जो हो बन सका सहयोग देंगे इसमें पूरा। इस पिंक ऑटो को चलाने वाले ड्राइवर को भी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने हर थाने और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान शहर भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहें। वीना रानी, सी मीडिया, यमुनानगर।